हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेरेस गार्डन। एक बार फिर से वेलकम है आप लोगों का। ये देखिए, आज मैं पॉटिंग मिक्स बना रही हूँ सीडलिंग के लिए, जिसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट और परलाइट का कॉम्बिनेशन लिया है। तीनों का मिक्सचर करके मैं सीड को ग्रो करूँगी। तो आप भी इस तरह से आप तीनों चीज़ों का मिक्सचर लेके आप इसमें सीडलिंग कर सकते हैं। मैं ऐसे ही करती हूँ। देखिए, आपको ये बॉक्स डिब्बा जिसमें आपको समझ में आप सीडलिंग को ग्रो कर सकते हैं, नहीं तो सीडलिंग का ये कंटेनर भी आता है उसमें कर सकते हैं। ये देखिए सीड्स, ये देखिए चेरी, स्ट्रॉबेरी है। ये देखिए फ्रेंड्स, चेरी टोमेटो, हाइब्रिड चेरी टोमेटो है। ये देखिए चोई, मैं पहली बार लगा रही हूँ, अब इसका जर्मिनेशन कितना अच्छा होता है मुझे नहीं पता है। देखिए पॉटिंग मिक्स तैयार हो गया है फ्रेंड्स। बहुत सारे मैं सीड्स लेके आई हूँ, सबको मुझे डालना है। और मैं बहुत सारे प्लांट्स अपने टेरेस पे लगाऊंगी, बहुत वैरायटीज़ के प्लांट्स। तो अगर आप भी लगाना चाहते हैं तो आप भी जाके सीड ले आइए। अगर आपने किचन गार्डन नहीं शुरू किया तो फिर शुरू करें। देखिए मेरा पॉटिंग मिक्स तैयार हो गया। इस तरह से मैंने जो अमूल दूध का कंटेनर आता है मैंने उसको ले लिया है। ये मैं बहुत दो तीन साल पहले मैं लेके आई थी 50 रुपीज़ में शॉप से। इस तरह से मैंने एक ही कंटेनर में देखिए पार्टीशन कर दिया है। एक एक पार्टीशन में अलग अलग वेराइटीज़ की मैं एक साथ सीड डाल दूँगी तो वो मिक्स नहीं होगा। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, नहीं तो ग्लासेस में कर सकते हैं। ये देखिए, ये चेरी टोमेटो का सीड है फ्रेंड्स। अगर आप छोटे छोटे ग्लास में लगाना चाहते हैं तो दो दो सीड आप एक एक ग्लास में डाल सकते हैं। कभी कभी सीड पुराना होने की वजह से जर्मिनेशन भी अच्छा नहीं होता है, बहुत कम जर्मिनेशन होता है। सीड अगर आपका अच्छा है तो जर्मिनेशन भी अच्छा होगा। कभी कभी पुराना सीड भी शॉप वाले दे देते हैं, उसकी वजह से भी बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है हमें। इसलिए अच्छी शॉप से आप सीड लें तो उसका जर्मिनेशन भी अच्छा रहेगा, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ये देखिए, इसका मैंने परमानेंट मार्कर से लिख के लेबलिंग भी कर दिया है ताकि ये मिक्स ना हो कि कौन सा सीड किधर है। ये देखिए स्ट्रॉबेरी, इसके सीड बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे हैं क्योंकि हाथ में पकड़ में नहीं आ रहे थे। बहुत महीन सीड हैं इसके। रसभरी होती है उस तरह से, स्ट्रॉबेरी की सीड बहुत छोटी होती है, वो तो आपको पता ही होगा। मैं पहली बार स्ट्रॉबेरी का सीड लगा रही हूँ, इसका रिजल्ट देखिए कैसा मिलता है। अब मुझे पता नहीं जर्मिनेशन होगा कि नहीं होगा स्ट्रॉबेरी का, नहीं होगा तो मैं प्लांट लेके आऊँगी नर्सरी से। ये 80 रुपीज़ का एक पैकेट दिया था, इसमें 50 सीड थे फ्रेंड्स। कुछ सीड मैंने देखे लगा दिया है तो कुछ दिन बाद पता चलेगा इसका जर्मिनेशन कैसा है। अभी मौसम भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, बारिश भी हो रही है बीजेस में काफ़ी, गर्मी भी धूप भी बहुत तेज़ हो रही है, तो आपका सीड भी जर्मिनेशन भी अच्छा नहीं होता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मौसम के ऊपर है। ठंडियों की सब्जियों का यह है कि जैसे जैसे आपकी ठंडियाँ शुरू हो जाएंगी और आपकी जो ठंडियों की वेजिटेबल्स है उसकी ग्रोथ भी रफ्तार पकड़ लेगी। ये देखिए, मैंने इसमें चोई बोया है, चोई का सीडलिंग किया है। ये देखिए जो कोनी, फ्रेंड्स जो कोनी हम लोग की तरफ की सब्जी नहीं है तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट नहीं मिलता है। मैं एक दो बार लगा चुकी हूँ, फिर से मैं लगा रही हूँ एक बार। ये देखिए जो प्लांट्स के पैकेट नहीं आते हैं, आप नर्सरी से प्लांट्स लेके आते हैं तो मैं उसको फेंकती नहीं हूँ, उसको रख लेती हूँ। तो कभी कभी उसमें सीडलिंग लगाने के लिए काम आता है, तो मैं उसी में ये ग्रो कर रही हूँ। इस तरह से आप भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपने तैयारी नहीं शुरू की है तो प्लीज़ अब शुरू कर दें तैयारी, नहीं तो काफ़ी लेट हो जाएगा। अगर लेट हो जाएगा तो फिर उसकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होती। आप समय पर प्लांट्स अपने ठंडियों के लगा दें तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। ये देखिए, मैंने इस तरह से अब अपनी सीडलिंग कर दी और लेबलिंग कर दिया है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक करें,
और सब्सक्राइब भी करें। ये देखिए हो गई मेरी सीडलिंग थोड़ी सी।